स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम करेंगे साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस। ठीक है, साइट वर्ड्स आप पहले पढ़ चुके हैं, आज हम उनकी और प्रैक्टिस करेंगे। तो निकालिए आपकी वर्कबुक 1 पेज नंबर 59। ओके, जस्ट टेक आउट पेज नंबर 59। ओके, आपको यहाँ पे ये साइट वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। ओके, किम एंड टिम डैश सी अ पॉट। किम और टिम सी पॉट को देख सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? कैन, सी ए एन, कैन। ओके, गुड, यस। आई एम डैश, फिर आई एम डैश माय डैड हैज अ फैट डॉग। ओके, क्या आएगा? डैड, किसके डैड है? आई एम, मैं खुद, और माय मतलब मेरे, मेरे डैड के पास क्या है? फैट डॉग है। तो क्या आएगा यहाँ? माय, क्या आएगा? माय। ओके, यस यस। नेक्स्ट, थर्ड नंबर। ओके, डैश कैन ईट अ बन। ठीक है, बन खा सकते हैं कौन? आई और टू, क्या आएगा? आई, आई कैन ईट अ बन। ओके, नेक्स्ट, ही इज डैश ओल्ड मैन, ही इज एन। ओके, ही इज एन ओल्ड मैन। एन क्यों आया? बिकॉज क्या है? फर्स्ट लेटर वॉवल है। ओके, पाम इज डैश द डैम, पाम इज कहाँ है? एट के, डैम के ऊपर थोड़ी ना है, डैम पर है ना। यस, डैश इज अ मग विद अ रेड बग, इट इज अ मग विद अ रेड बग। ओके, यस, करेक्ट। कैट इज डैश द बेड, कैट कहाँ है? ऑन द बेड, यस। ओके, कैट इज ऑन द बेड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ना? जस्ट टेक आउट पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 निकालिए। यस, यहाँ भी आपको वही करना है, साइट वर्ड्स फिल करने हैं। डैश हैव अ हॉट पॉट, वी, वी के साथ हैव आएगा, वी हैव अ हॉट पॉट, वी हैव अ हॉट पॉट। ओके, यस, नेक्स्ट, द मैन हैज इन द मैन, क्या आएगा? मैन कितने हैं? बिकॉज ज़्यादा है ना, एक नहीं है ना, तो आर आएगा, द मैन आर इन द वैन। ओके, डैश पिन इज बिग, आई और द, द, द पिन इज बिग। पॉट इज डैश द कॉट, कहाँ है पॉट? ऑन द कॉट, तो क्या आएगा? ऑन, पॉट इज ऑन द कॉट। ओके, द पेट हैज टू, टू, द पेट हैज टू गो, यस, द पेट हैज टू गो टू अ पेट। I can eat, E vowel है ना, तो क्या आएगा? N, yes, okay. Dash is a wet pig, this, this is a wet pig. Okay students, clear, done. Just take out page number 64. ओके स्टूडेंट्स, 64 ये क्या है? ये भी साइट वर्ड्स हैं। ठीक है, साइट वर्ड्स हैं ना ये, हम इनको पहले रीडिंग करेंगे और फिर रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फिर हम इसकी एक एक्टिविटी भी करेंगे, पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। दिस, दिस, टी एच आई एस, दिस, सिंगल चीज़ हमारे पास है, दिस, दैट,
दूर है हमसे और सिंगल है, दैट इज दैट हैज, ही हैज, शी हैज, ठीक है, उसके लिए हम हमेशा हैज यूज करेंगे. हैड हमारे पास थी, आई हैड, वी हैड, शी हैड, ओके, थी पहले, हैव ज़्यादा हैं, ओके, आउट बाहर, इन अंदर, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, ओके. तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. हमने इसको रीड आउट किया, अब आप लिखिए दिस, टी एच आई एस, दिस यहाँ पे सिंपल फॉर्म में, टी एच आई एस, दिस, ओके. दैट जल्दी जल्दी लिखिए मैम के साथ, टी एच ए टी, दैट, टी एच ए टी, दैट, हैज, एच ए एस, हैज, ओके, सिंपल फॉर्म में, एच ए एस, हैज. और ये वाला जो पेज है वो आपको क्या करना है, यस, होमवर्क में है, ठीक है, आपका ये होमवर्क हो गया. कुछ नहीं करना है, रीडिंग प्रैक्टिस देन रिटर्न प्रैक्टिस. हैड, एच ए डी, हैड, बिल्कुल एज इट इज लिख देना है, एच ए डी, हैड, ओके, हो गया, यस. जस्ट टेक आउट पेज नंबर 66, ठीक है. अब जो हमने वहाँ पहले पढ़े हैं प्रीवियस वाले सेशन में साइट वर्ड्स, उनकी हम यहाँ पे एक छोटी सी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे एज अ एक्टिविटी, ओके. आपको क्या करना है, रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स, जो बॉक्स पे आपको वर्ड्स दिए हैं वो आपको रीड आउट करने हैं, देन रीड द सेंटेंस, फिर आपको सेंटेंस रीड करने हैं, दैट फॉलो एंड सर्कल दीज वर्ड्स इन देम, ये जो वर्ड्स हैं इन इन सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, ओके, कुछ कुछ वर्ड्स वो आपको सर्कल करने हैं, ठीक है. आई एम, दैट, हैज, हैड, हैव, इन, आउट, अंडर, बिग, स्मॉल, ठीक है. अब ये वाला सेंटेंस रीड करते हैं, द रैट इज अंडर द बेड, कौन सा वर्ड है जो कि इन बॉक्स में से है, अंडर, तो हम अंडर को ऐसे सर्कल कर लेंगे, ओके. देन शी हैज अ स्मॉल विग, तो क्या है, हैज, है ना, देन स्मॉल, दो वर्ड्स है ना, तो हम दोनों को सर्कल कर देंगे. आई एम एट द डैम, क्या है, आई एम, है ना, बस इजी है ना. ही कैन गो इन एंड आउट, तो क्या है, हम दोनों को सर्कल करेंगे, इन एंड आउट, ओके. वी आर ऑन द बिग बेड, तो हम किसको सर्कल करेंगे, बिग, ठीक है. आई हैव दैट रेड मेट, हैव को करेंगे सर्कल क्योंकि ऊपर है ना, यस, यहाँ पे द कैट हैड, हैड को सर्कल करेंगे, अ हैड, ओके, क्लियर है. हमारे साइड वर्ड्स की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई. यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी, अब लास्ट में हम एक एक्टिविटी करते हैं, ओके. जस्ट टेक आउट पेज नंबर 63, क्या करना है आपको, 63 करने हैं. हम इसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, ओके, हम इसको लिख रीड भी कर चुके हैं. अब आपको क्या करना है, ये जो दिए हुए हैं वर्ड्स, आपको इनकी रीडिंग प्रैक्टिस करनी जल्दी जल्दी. हम ये कर चुके हैं ना पहले, एक बार एज कंप्लीट आपको, यस, करनी है. टी एच आई ए दिस, टी एच ए डी दैट, एच ए डी हैड, ओ यू टी आउट, बी आई जी बिग, आई एन एन, एस एम ए डबल एल स्मॉल, यू एन अंडर, एच ए एस हैज, एच ए वी ई हैव, ओके. तो आपको ये घर पे भी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, क्या करेंगे आप एज अ, ठीक है, और एक होमवर्क हो गया आपके लिए, आप इसको रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे प्लस इस हाउस को कंप्लीट करेंगे, कैसे, कलरफुल करके, ओके, कलरफुल करके, यस, आपको कलरफुल करना अच्छा लगता है ना,
यस, तो आपको क्या करना है, इसमें जो ब्रिक कलर है ये कौन सा कलर है, ब्राउन। एक वर्ड आपने रीड किया, मान लीजिए दिस, तो आप दिस को फटाफट से कलर कर दीजिए लाइक दिस, इस तरह से ऐसे। ओके, आपको कंप्लीट ये हाउस करना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू।